हाय फ्रेंड्स, आज जो है हम बात करेंगे जो LNMU का जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है वो आ गया है। BA, BSc, BCom जो भी ग्रेजुएशन में जो भी अप्लाई किए थे उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो सबसे पहले आपको अपना जो है कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना, उसके बाद जो है इस पे आपको सर्च करना है LNMU। उसका जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो इस टाइप का जो है पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको स्क्रॉल करना है और नीचे जो सबसे नीचे जो आपको दिख रहा होगा सेकेंड ऑप्शन लिंक फॉर सिलेक्शन लिस्ट एंड सिलेक्शन लेटर एडमिशन इन BA, BSc, BCom डिग्री पार्ट वन सेशन 2022-25, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा जो है आपको टाइम लगेगा, उसके बाद जो है वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लिंक का जो साइट है अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। इस टाइप का पेज खुलेगा, उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आ गया, डाउनलोड सिलेक्शन लेटर और दूसरा जो है कॉलेज वाइज सिलेक्शन लेटर। तो पहले जो है हम अपना डाउनलोड करेंगे, उसके बाद कॉलेज वाइज भी आप लोगों को बता देंगे। तो डाउनलोड सिलेक्शन लेटर पे क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना जब तक ये साइट खुलता नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो आ गया डाउनलोड सिलेक्शन लेटर। तो यहाँ पे जो है आपको अपना एप्लीकेशन आईडी देना है और पासवर्ड देना है। एप्लीकेशन आईडी जब आप अप्लाई किए होंगे उसका जो रिसीविंग आपको मिला होगा उसमें होगा, तो उससे देख के आप अपना एप्लीकेशन आईडी दीजिएगा और या पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड नहीं जानते या फिर भूल गए तो अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, तो आपका जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए हम अपना जो एप्लीकेशन आईडी जो है देते हैं। ओके, ओके, उसके बाद जो पासवर्ड हमको नहीं पता है तो हम अपना क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे के यहाँ पे गेट सिलेक्शन लेटर इस पे जो है हमको क्लिक करना, और इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके बाद जो है आपका जो है उसके बाद देख सकते हैं जो हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ गया है। और हमारा जो कॉलेज है वो कौन सा है, SBSS कॉलेज बेगूसराय में जो है हमारा कॉलेज आ गया। दूसरा ऑप्शन जो आपको बताते हैं, दूसरा ऑप्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा ऊपर ही, और यहाँ दिख रहा होगा आपको तीसरा ऑप्शन कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट, इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो है थोड़ा देर वेट करने के बाद इस टाइप का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी कॉलेज नेम है जो LNMU के अंदर आता है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सारा कॉलेज का जो है यहाँ नाम, और यहाँ पे आप उसका सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं।